हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू खाना खजाना विद सुनीता। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ कैरी की खट्टी मीठी सब्जी। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले आप ऐसे कटी हुई कैरी ले लें और इसे अच्छे से वॉश कर लें। उसके बाद हम इसे बॉयल करने के लिए रख देंगे जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए। और इसमें चुटकी भर हल्दी डाल देंगे जिसमें एक अच्छा सा कलर आ जाएगा इसमें। तो कैरी को यहाँ पर मैंने बॉईल कर लिया है और अब हम इसे एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे जिससे कि इसका सारा पानी निकल जाए। तब हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने बाउल में डाले हैं 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और इसमें डाल देंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर। तो यहाँ पर मैंने लहसुन का पेस्ट तैयार करके रख रखा था, इसे भी इसमें डाल लेंगे। और अब पानी से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसका एक पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए मसाला यहाँ पर बनकर तैयार है। तो मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें डाल देंगे 1 चम्मच सरसों का तेल और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। तो तेल अब अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सौंफ, मेथी दाना और कलौंजी। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच सौंफ और 2 चम्मच मेथी दाना लिया है और 1 चम्मच कलौंजी ली है। इसे इन सबको हम तेल में डाल देंगे। तो अब सौंफ, मेथी दाना और कलौंजी चटक गए हैं। तो अब हम इसमें मसाला डाल देंगे जो हमने तैयार किया था। तो सारा मसाला इसमें डाल देंगे। तो फ्लेम को इस वक्त आप लो कर दें। तो मसाले में थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे पकने देंगे। तो देख सकते हैं आप मसाले में कितना अच्छा कलर आ गया है। तो अब मसाला अच्छे से पककर तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें जैगरी डाल देंगे यानी कि गुड़। आप चाहें तो चीनी का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन गुड़ से इसका टेक्सचर और जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आएगा। गुड़ को यहाँ पर मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया था। तो गुड़ अब मेल्ट हो गया है और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढककर कुक कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मसाला अच्छे से पक गया है और गुड़ का अच्छा फ्लेवर भी आ गया है इसमें। और अब हम इसमें एक कैरी डाल देंगे। तो कैरी आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। अब ये सारी कैरी हम इसमें डाल देंगे। और अब मसाले में इसे अच्छे से कोट कर लेंगे। तो कैरी को एकदम अच्छे से कोट कर ले मसाले में। तो अभी जो ग्रेवी है वो थोड़ी पतली है इसलिए हम थोड़ी देर के लिए और इसे चला लेंगे। और अब थोड़ी देर के लिए और मैं इसे ढककर रख रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स कैरी की सब्जी बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर आ रहा है और ये अच्छे से कोट हो गई है बिल्कुल मसाले में। तो यहाँ पर मैं नमक डालते हुए ग्रेवी में दिखाना भूल गई थी, तो इसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाला है। आप अपने स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल सकते हैं। तो सब्जी यहाँ पर बिल्कुल रेडी है हमारी और अब हम इसे सर्व करते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये खट्टी मीठी कैरी की सब्जी बनकर तैयार है और बिल्कुल अचार की तरह आप 4-5 दिनों तक इसे खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है ये। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए और ऐसी टेस्टी रेसिपीज़ लाती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।